अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटिंग ऑफ द डे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने फ़ोटो को कैसे एडिट किया है। आज फोटोशॉप में मैं आपको स्क्रीन रिटचिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपने वो फ़ोटो फोटोशॉप में ओपन करना है। यहाँ से सिंबल अपने डबल क्लिक करके इसको लेयर में कन्वर्ट करना है। लेयर में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसका डुप्लिकेट लेना है, यानी कंट्रोल जे। कंट्रोल जे लेने के बाद आपने टूल्स में आना है और यहाँ से आपने ये वाला टूल लेना है। ये लेने के बाद आपने इसका साइज़ कम करना है। और सिंपल आपने अपने फेस के ऊपर इसको लेफ्ट क्लिक के साथ दबाना है। अब आप देख सकते हैं कि इस फ़ोटो में कितनी तब्दीली आ गई है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, पहले ऐसा था, अब ऐसा है। इसके बाद आपने इसकी फिर से डुप्लिकेट लेयर लेनी है, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे लेने के बाद आपने करना है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई होने के बाद आपने आना है ऊपर फिल्टर में। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है अदर में। अदर में आपने यहाँ हाई पास जो लिखा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसका रेडियस रखना है, मैंने सिंपल 10 रखा है और ओके किया। ओके होने के बाद यहाँ लेयर में आना है और यहाँ से लिखा है नॉर्मल। नॉर्मल पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से लाना है, यहाँ से आपने व्यूड लाइट जो लिखा है आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट होने के बाद आपने नीचे आकर यहाँ से एड लेयर मास्क, मास्क पर क्लिक करना है। मास्क पर क्लिक करने के बाद आपने फिर से कंट्रोल आई दबाना है। कंट्रोल आई दबाने के बाद आपकी फ़ोटो फिर से वैसे हो गई। फिर यहाँ से आपने ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद आपने इसकी कैपेसिटी कम करनी है थोड़ी, यानी मैंने 64 रखा। यहाँ से फ्लो भी आपने कम करना है जितना आप रख सकते हैं। ये रखने के बाद आपने सिंपल इसको अपने फेस के ऊपर लेफ्ट क्लिक के साथ दबाना है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि फ़ोटो में कितनी चेंजेस आ गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। देख सकते हैं
कितनी चेंजेस इसमें आ गई है। जी फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह की वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको एडिटिंग के बारे में वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।